आज का शुभ संदेश, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जीवन का ध्येय। देखिए, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी के समय में दो बड़े सूत्र दिए थे, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। वो सूत्र दोनों बहुत ही सटीक और अच्छा परिणाम देने वाले थे, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। कड़ी मेहनत यानी हमें अपने जीवन के अंदर सतत सम्यक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कड़ी मेहनत का अर्थ ये नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखो, खाने पीने सोने का उठने का ध्यान नहीं रखो और 24 घंटे काम में लगे रहो। नहीं, आप सब काम संयमित रूप से करो, नियमित रूप से कार्य करना, नियमित रूप से वापस रेस्ट करना, क्योंकि रेस्ट करने से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो जो व्यक्ति जिस जिस लाइन के अंदर लगा हुआ है, उसको कड़ी मेहनत मतलब उसको सम्यक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि कर्म करो, निष्काम कर्म, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कड़ी मेहनत करते रहो, फल की इच्छा करने से हमारे मनोनुकूल फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। और पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन, हमारा फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह ढंग से करूँगा, उसमें सफलता प्राप्त करके रहूँगा, मुझे सफलता तो मिल ही जाएगी। और ये कार्य मुझे साल भर का है तो साल भर में पूरा करना है, 6 महीने का तो 6 महीने में पूरा करना है। यानी आपका जो कुछ भी काम करो, आपका डिटर्मिनेशन, संकल्प है, वह फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। दोनों सूत्र, कड़ी मेहनत और जो है पक्का इरादा, से जीवन में अवश्य सफलता मिलती है।